नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और इस चैनल पर हम हर रोज इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम 50 क्वेश्चन डेली कवर करते हैं। आज हम आर्टिकल के 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि एमसीक्यू होंगे और पिछले एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए होंगे, और कुछ क्वेश्चन वो होंगे जो आगे एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, वो है आई नीड डैश अम्ब्रेला बिकॉज इट्स रेनिंग। आई नीड डैश अम्ब्रेला बिकॉज इट्स रेनिंग। मुझे छाता चाहिए क्योंकि बारिश हो रही है। मुझे छाता चाहिए क्योंकि बारिश हो रही है। एन सही आर्टिकल है, क्योंकि अम्ब्रेला एक स्वर दबनी यू से शुरू होता है, इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर होगा इसका एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी इज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। शी इज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, जिसका राइट आंसर होगा वो आपने बताना है कि वह कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है। शी इज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, वह कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है। मेरे हिसाब से आपने जिसका राइट आंसर है वो सोच लिया होगा। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी द, क्योंकि बेस्ट लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम विशिष्ट छात्रा की बात कर रहे हैं जो सबसे अच्छी है, इसलिए जो सही वाक्य होगा वो होगा शी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं, आई शॉ डैश मूवी लास्ट नाइट। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ए इसका राइट आंसर होगा, मैंने कल रात फिल्म देखी। ए सही आर्टिकल है, क्योंकि एक अनिश्चित फिल्म की बात कर रहा है। हमें फिल्म का नाम नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि फिल्म कहाँ पर देखी, किसके साथ देखी, इस बात की हमें एक नॉर्मली बात हो रही है, तो वहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो है दे लिव इन डैश ओल्ड हाउस। दे लिव इन डैश ओल्ड हाउस, जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी द। ऑप्शन सी द होगा, वह पुराने घर में रहते हैं, क्योंकि ओल्ड हाउस एक विशिष्ट घर को दर्शाता है जो पहले से ज्ञात है, और इसलिए जो सही वाक्य होगा दे लिव इन ओल्ड हाउस। दे लिव इन द ओल्ड हाउस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ही वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। ही वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, जो इसका राइट आंसर होगा वो आपने बताना है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एन। ही वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, वह इंजीनियर बनना चाहता है, क्योंकि इंजीनियर स्वर दवनी ई से शुरू होता है। इंजीनियर की जो शुरुआत है वो ई से होती है, इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। एन राइट आंसर होगा इसका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं, आई फाउंड डैश इंटरेस्टिंग बुक इन द लाइब्रेरी। आई फाउंड डैश इंटरेस्टिंग बुक इन द लाइब्रेरी, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एन। ऑप्शन बी एन इसका राइट आंसर होगा, मैंने पुस्तकालय में दिलचस्प किताब जो है वो देखी। मैंने जो पुस्तकालय में एक दिलचस्प जो किताब मुझे मिली, मुझे लाइब्रेरी में एक अच्छी किताब मिली। इंटरेस्टिंग है वो स्वर दवनी आई से शुरू होता है, इसलिए सही वाक्य हमारा होगा आई फाउंड एन इंटरेस्टिंग बुक इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगी आपको। दो मीन्स की फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। हमारा जो फर्स्ट है हम देख लेते हैं, डैश एप्पल ए डे कीप्स डैश डॉक्टर अवे। डैश एप्पल ए डे कीप्स डैश डॉक्टर अवे, मीन्स की जो इसकी ट्रांसलेशन है वो है सेव डॉक्टर, जो सेव है हमें डॉक्टर से दूर रखते हैं। जो इसका राइट आंसर बताना है कि फर्स्ट पे क्या आएगा और सेकंड में क्या आएगा। एप्पल की जो शुरुआत है वो स्वर दबनी ए से शुरू होती है, इसलिए ए तो पक्का आएगा। तो ए किस में है, नहीं एन से, ए से शुरू होती है, तो एन इसका राइट आंसर होगा एन। और जो सेकंड की बात हो रही है, सेकंड में बताया गया डॉक्टर कीप्स डॉक्टर अवे, यहाँ पे विशिष्ट डॉक्टर की बात जो की जा रही है, जिसे हम जानते हैं कि वो डॉक्टर हमें एप्पल से, अगर हम एप्पल खाते हैं तो डॉक्टर से हम दूर रहते हैं। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश टीचर इज वेरी काइंड। डैश टीचर इज वेरी काइंड, जिसका राइट आंसर है वो आपने बताना है। जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी द। डैश टीचर इज वेरी काइंड, शिक्षक बहुत दयालु है। शिक्षक बहुत दयालु है, द सही आर्टिकल है, क्योंकि टीचर एक विशिष्ट शिक्षक को दर्शाता है जो पहले से ज्ञात है।
द टीचर इज वेरी काइंड, जो इसका फुल वाक्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो डिस्कस कर लेते हैं। आई नीड डैश न्यू फोन, आई नीड डैश न्यू फोन, मुझे नया फोन चाहिए। आई नीड डैश न्यू फोन, मुझे नया फोन चाहिए। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ए। यहाँ पे हम ए लगाएंगे, ऑप्शन ए, ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे हम ए लगाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि न्यू फोन एक निश्चित वस्तु है, इसलिए सही वाक्य होगा आई नीड ए न्यू फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी विजिटेड डैश म्यूजियम यस्टरडे, वी विजिटेड डैश म्यूजियम यस्टरडे, जिसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी द होगा। हम कल संग्रहालय गए थे, द सही आर्टिकल होगा क्योंकि विशिष्ट संग्रहालय का उल्लेख कर रहे हैं। यहाँ पे हम वी विजिटेड द म्यूजियम यस्टरडे, म्यूजियम के बारे में पता है कि कल हम म्यूजियम में गए थे, उस म्यूजियम की बात हो रही है जहाँ पे हम कल गए थे, तो यहाँ पे द इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। शी गेव मी डैश एडवाइस ऑन हाउ टू प्रोसीड, शी गेव मी डैश एडवाइस ऑन हाउ टू प्रोसीड, इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी द, कि उसने मुझे कैसे आगे बढ़ना है इस पर सलाह दी, और क्योंकि एडवाइस विशेष और विशिष्ट है, इसलिए सही वाक्य होगा शी गेव मी द एडवाइस ऑन हाउ टू प्रोसीड, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू द सिटी टुमारो, आई एम गोइंग टू डैश सिटी टुमारो, आई एम गोइंग टू डैश सिटी टुमारो, जिसका राइट आंसर होगा वो बताना है आपने। आई एम, जो मैं वाक्य आपको बता देता हूँ क्योंकि पिछले पेज पे चला गया वो, आई एम गोइंग टू डैश सिटी टुमारो, जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी द, ऑप्शन सी द इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, डैश वाटर इन द, डैश वाटर इन दिस बॉटल इज कोल्ड, डैश वाटर इन दिस बॉटल इज कोल्ड, इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी द, क्योंकि इस बोतल में ठंडा पानी है, और क्योंकि वाटर एक विशिष्ट पानी को दर्शा रहा है। विशिष्ट पानी का मतलब ये हुआ कि जो जो वाटर की बात हो रही है वो बोतल में है और वो ठंडा है, ठीक है, उस वाटर की बात हो रही है जो बोतल में है, क्योंकि हमें पता है किसके बारे में बात हो रही है। अगर हमें ये पता हो किसके बारे में बात हो रही है, और तब हम द का प्रयोग करते हैं, तो आई थिंक ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, शी हैज़ डैश ब्यूटीफुल गार्डन, जिसका राइट आंसर होगा वो आपने बताना है, जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ए। उसके पास खूबसूरत बगीचा है, ब्यूटीफुल गार्डन है, एक अनिश्चित बगीचा है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर है और कैसे उसमें फूल लगे हैं, किसके बारे में बात हो रही है, कुछ नहीं पता है, बस इसमें नॉर्मली बात की गई है, शी हैज़ ए ब्यूटीफुल गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डैश मून लुक्स वेरी ब्राइट टूडे, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी द, चांद आज रात बहुत चमक रहा है, जो सही आर्टिकल होगा, क्योंकि चांद विशिष्ट अद्वितीय है, इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी द मून लुक्स वेरी ब्राइट टू नाइट, ठीक है, तो मून के आगे द आएगा, ये आपको यहाँ पे क्लियर है। आई नीड डैश हेल्प विद दिस टास्क, जिसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी द होगा। जब हम सम का उपयोग यहाँ सही होगा, क्योंकि विकल्पों में से द का प्रयोग किया जाता है, अगर विशेष मदद की जा रही हो उसमें हम आई नीड द हेल्प विद द टास्क, जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन है, शी फाउंड डैश वॉलेट ऑन द स्ट्रीट, जिसका राइट आंसर होगा वो होगा द, क्योंकि उसे पता है किस वॉलेट के बारे में बात कर रहे हैं जो उसको सड़क पर मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डॉग इज वॉकिंग लाउडली,
डैश डॉग इज बार्किंग लाउडली, कुत्ता जोर से भौंक रहा है। यहाँ पे द सही आर्टिकल होगा क्योंकि कुत्ता विशिष्ट और ज्ञात है, इसलिए वाक्य में हम डॉग इज जो द का प्रयोग करेंगे, द डॉग इज बार्किंग लाउडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सो डैश इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री ऑन टीवी, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एन। एन इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इंटरेस्टिंग स्वर ध्वनि आई से शुरू होता है, इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही लिव्स इन डैश स्मॉल विलेज, ही लिव्स इन डैश स्मॉल विलेज, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ए, कि वो एक छोटे गांव में रहते हैं, स्मॉल विलेज एक निश्चित संख्या है, इसलिए हम ही लिव्स इन ए स्मॉल विलेज, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ए। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आप जो क्वेश्चन हमारे 30 बच गए हैं उनको अगली वीडियो में कवर करेंगे।